1200 में ले लो राउंड डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर, वॉइस असिस्टेंट, बिल्ट इन गेम्स, मुझे भी साथ में ले चलो। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार भाई साहब, मतलब कुछ भी बोलोगे। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, यहाँ पर नॉइस ने रिसेंटली अपनी एक बजट में राउंड डिस्प्ले की स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है, दैट इज नॉइस ट्विस्ट गो स्मार्ट वॉच। और इसका जो सिलिकॉन स्ट्रैप वाला वेरिएंट, इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 1200 के आसपास, और जो मेटालिक मैश स्ट्रैप वाला वेरिएंट है उसका प्राइसिंग है 1600 रुपए के आसपास। वैसे मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके इसका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बॉडी दी गई है, यहाँ पर आपको मेटालिक जिंक कलर की आप बोल सकते हैं पूरी आपको बिल्ड मिल जाएगी स्मार्ट वॉच में। बाकी फीचर्स भी काफी आपको इंप्रेसिव मिलने वाले हैं, सारे हम टेस्टिंग करेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग के साथ, ताकि अगर आप सोच रहे हैं 1200 रुपए के आसपास एक स्मार्ट वॉच कंसीडर करने का राउंड डिस्प्ले की एंड तक पॉसिबल से आप डिसाइड कर लेंगे वैसे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको नॉइस ट्विस्ट गो स्मार्ट वॉच का ऐसे बिल्कुल आपको डिसेंट सा बॉक्स मिलेगा जैसे नॉइस बैंड प्रोवाइड करता है, और ये प्राउडली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया है। इसको हम करेंगे क्विकली अनबॉक्स। तो एक ही चीज बढ़िया तरीके से पैक की गई है हमेशा की तरह। सबसे पहले आपको यहाँ पे वारंटी कार्ड मिलने वाली है, वारंटी क्लेम कर सकते हैं, एक यूजर मैनुअल इसको आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे ब्रांड की तरफ से, चिपका लीजिएगा। एक एडिकेट लेंथ की आपको चार्जिंग केबल मिलने वाली है टू चार्ज योर स्मार्ट वॉच। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द स्मार्ट वॉच यू विल बी गेटिंग। इसका फिजिकल ओवरव्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 20mm के सिलिकॉन स्ट्रैप्स दिए गए हैं, डिसेंट आपको क्वालिटी मिल जाएगी स्ट्रैप्स को लेकर, चाहे तो इसको आप यहाँ डिटैच भी कर सकते हैं, प्रॉपर हिंजेस मिलने वाले हैं। और वॉच के बैक साइड में आपको चार्जिंग पॉइंट, बिल्ट इन आपको सेंसर्स मिल जाएंगे, स्पीकर मिलने वाला है, माइक्रोफोन मिलने वाला है कॉलिंग पर्पस के लिए, आगे कॉलिंग टेस्ट किया जाएगा बढ़िया तरीके से। और यहां पर आपको टफ आप बोल सकते हैं मेटालिक बिल मिल जाएगी, जिंक कलर की बिल मिलने वाली स्मार्ट वॉच में। साइड में एक मल्टीफंक्शन बटन मिलने वाला है यहाँ पे, और फ्रंट में आपको 1.39 इंच का आपको TFT डिस्प्ले मिल जाएगा, ऐसा आपको डिस्प्ले मिलने वाला है इंडोर कंडीशन में, कर्व्ड ग्लास दिया गया है। इसके इंडोर कंडीशन की ब्राइटनेस सही मिल जाएगी, व्यूइंग एंगल्स यहाँ पे आपको डिसेंट मिलने वाले हैं। और UI की स्मूथनेस की बात करेंगे, UI यहाँ पे आपको काफी स्मूथ मिल जाएगा, इसको आप यूज करेंगे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से आप बिल्कुल फ्री तरीके से UI को यूज कर सकते हैं। और इसके ओवरऑल फीचर्स की बात करेंगे, यहाँ से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलने वाला है यहाँ पे नोटिफिकेशन पार्ट को लेके, यहाँ पे आपको ऐसा डिस्प्ले मिल जाएगा, आप स्क्रॉल करके फुल मैसेज रीड कर सकते हैं, लेकिन ये इमोजीज डिटेक्ट नहीं करता, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और स्क्रीन से स्वाइप अप करेंगे तो मल्टीपल आपको शॉर्टकट्स मिलने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड में ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, यहाँ पर टैप टैप करके आप ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आउटर कंडीशन की ब्राइटनेस यहाँ पे आपको डिसेंट मिलने वाली, बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं बोल पाएंगे आप, यहाँ पे मैनेजेबल तरीके से सनलाइट में यूज कर पाएंगे स्मार्ट वॉच को, दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन मेरे हिसाब से ब्राइटनेस थोड़ी बहुत बेटर होनी चाहिए थी आउटर कंडीशन में। और साथ ही में इसमें आपको यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिया गया, ये एक प्लस पॉइंट, अगर आपको यहाँ पे स्मार्ट वॉच को पासवर्ड प्रोटेक्टिव रखना है यहाँ से आप कर सकते हैं। फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप टैप टैप करके फ्लैश लाइट को यूटिलाइज कर पाएंगे, साइलेंट मोड में डाल सकते हैं स्मार्ट वॉच को। और सेटिंग्स में आप जाएंगे तो मल्टीपल आपको सेटिंग्स मिलने वाली, यहाँ पे आपको वॉच फेसेस मिलने वाले हैं कुछ बिल्टन, जो आपको वॉच फेस पसंद आ रहा है यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वाइब्रेशन एंड रिंग पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिलने वाली है मोड को लेके, आपको म्यूट करना है, रिंग करना है, रिंग एंड वाइब्रेट करना है, वाइब्रेशन पे डालना है, सेट कर पाएंगे यहाँ से। इंटेंसिटी आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चाहिए कि सॉफ्ट चाहिए वाइब्रेशन की, सेट कर सकते हैं। साथ ही में ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन, पासवर्ड सेट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आपको मल्टीपल मेन्यू व्यूज मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको लिस्ट व्यू, साथ में आपको यहाँ पे हनी कूम, ग्रिड व्यू, पैरेलल, तो देख सकते हैं मल्टीपल यहाँ पे आपको मेन्यू व्यूज मिलने वाले हैं, जो आपको मेन्यू व्यू यहाँ पे प्रेफरेबल है अपने हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्मार्ट वॉच के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पावर ऑफ, रीसेट, रीस्टार्ट, फाइंड माय फोन का ऑप्शन, एप्लीकेशन का QR कोड दिया गया, कैसे ऐप वर्क करते हैं आगे डिस्कस करेंगे, तो ये सब आपको चीजें मिलने वाली इसकी सेटिंग्स पार्ट में। और यहाँ से स्क्रीन से स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलने वाला है स्टेप काउंटिंग को लेकर, कितने अपने स्टेप्स चले, कितनी कैलोरीज बन गई, ट्रैक आउट कर सकते हैं। स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन, यहाँ पर आपको वेदर इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, ऐसा डिस्प्ले मिलने वाला है। स्क्रॉल करके आप नेक्स्ट फ्यू डेज का वेदर फोरकास्ट भी चेकआउट कर सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ से स्क्रीन से स्वाइप राइट करेंगे तो जितनी भी आपके एप्लीकेशन से स्मार्ट वॉच के यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। इसमें आपको नॉइस हेल्थ सूट दिया गया है, जिसमें आपको एक्टिविटी रिकॉर्ड्स, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलने वाला है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे तो हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर आप देख सकते हैं, काफी आपको क्लोज रीडिंग दिखा रहा है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट किट में और स्मार्ट वॉच दोनों में ही, और सेम आपको यहाँ पे एक्यूरेसी मिलने वाली है इसकी काफी हद तक ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट को लेके। और स्ट्रेस मॉनिटरिंग में आप चेकआउट कर सकते हैं आपका स्ट्रेस मीडियम है कि ज्यादा है, आपको यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है थोड़ा रिलैक्स कर लीजिएगा, तो कैजुअल पर्पस के लिए स्मार्ट वॉच यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन सेंसर्स काफी आपको एक्यूरेट मिलने वाले हैं इसके थ्रू। स्पोर्ट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 110 प्लस स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरीज में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मिल जाएंगे, आप ट्रैकआउट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे, यहाँ पर मैंने हाथों में टाइटली स्मार्ट वॉच को पहन लिया था, फिर मैं घूम फिर के अप्रॉक्सिमेटली 40 स्टेप्स के आसपास यहाँ पे चल के आया था, और यहाँ पे स्मार्ट वॉच में दिखा रहा था 39 स्टेप्स के आसपास, तो एक्यूरेसी काफी आपको सही मिलने वाली है अगर आप हाथों में स्मार्ट वॉच को टाइटली पहनेंगे, अगर आप एक्टिविटीज करते हैं उस पर्पस के लिए बढ़िया ऑप्शन है ये, काफी आपको क्लोज रीडिंग मिल जाएगी इसके स्टेप काउंटिंग को लेकर। नॉइस बस में आपको रिसेंट कॉल का ऑप्शन, डायल पैड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डायल पैड मिलने वाले, यहाँ पे आप कॉलिंग कर सकते हैं, किसी का कॉल आएगा तो यहाँ पे आप साइलेंट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं कॉल को। यहाँ पर आप हमारे देखिए अब DRS दीक्षा रिव्यू सिस्टम स्मार्ट वॉच का। हेलो, हाँ दीक्षा, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, जिम आई हुई थी, साइकिलिंग कर रही हूँ।
जिम टाइम, साइकिलिंग टाइम? यस। बहुत बढ़िया। फ्री मतलब क्या बात करूं बाद में कि अभी दो मिनट दे पाओगी? नहीं नहीं साइकिलिंग कर रही, साइकिलिंग करते करते करती हूं रिकॉर्डिंग आज। ओके मल्टीटास्किंग। अभी मेरे पास यहाँ पर नॉइस की तरफ से नॉइस ट्विस्ट गो इनकी एक स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई है। हाँ। तो ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर भी है इसमें। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट वॉच से बात कर रहा हूँ, ऐसे सोसाइटी के अंदर ही हूँ, तो मेरी आवाज तुम्हें कैसी आ रही है कंपैरेटिवली? आवाज तुम्हारी अच्छी समझ में आ रही है। हाँ हाँ। हल्की सी बैकग्राउंड की एक्टिविटी जैसे गाड़ी जाने के बाद समझ में आ रही है। हाँ हाँ। लेकिन तुम्हारी आवाज पे फोकस है, अच्छे समझ में आ रही है। हालांकि म्यूजिक भी चल रहा है तो मुझे तुम्हारी आवाज समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अच्छे से बातचीत चल रही है हमारी वैसे? ठीक है दीक्षा, करो जिम आराम से। बाय बाय। और कॉलिंग के टाइम पे आप म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं कॉल को, स्पीकर की लाउडनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं आपका स्मार्टफोन के थ्रू बात करनी है कि स्मार्ट वॉच के थ्रू बात करनी है। और ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर काफी बढ़िया दिया गया है, स्पीकर की लाउडनेस काफी आपको सही मिलेगी आउटडोर कंडीशन में भी। वेदर इन्फॉर्मेशन, मैसेजेस का ऑप्शन, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन दिया गया, ये भी एक प्लस पॉइंट है। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद यहाँ से आप ट्रैक्स को प्ले पॉज कर सकते हैं, स्मार्टफोन की ट्रैक्स आप चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक प्रीवियस ट्रैक में जा सकते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के डायरेक्टली स्मार्ट वॉच के थ्रू ही। लेकिन यहाँ पर जो बिल्ट इन स्पीकर दिया गया उसके थ्रू म्यूजिक प्ले नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर आपको सिंपली म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। रिलैक्सेशन का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, अगर आप थोड़ा स्ट्रेस आउट है तो यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ी यहाँ पे डीप ब्रीथ ले सकते हैं, उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं यहाँ से। साथ ही में टाइमर का ऑप्शन, अलार्म, स्टॉप वॉच, वॉइस सेशन का फीचर मिलने वाला है यहाँ पे। अगर आप स्मार्ट वॉच में टैप करेंगे जो भी आपका फोन का वॉइस सेशन फीचर है एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप कमांड देकर यूटिलाइज कर पाएंगे। और QR कोड का ऑप्शन दिया गया, आप एप्लीकेशन पार्ट से QR कोड सेव कर सकते हैं अपने पेटीएम का, फोन पे का, गूगल पे का, ताकि अगर आप स्मार्ट वॉच को दिखा के पेमेंट एक्सेप्ट करनी है QR कोड के थ्रू वो भी आप कर पाएंगे यहाँ पे। बिल्ट इन आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आपको बिल्ट इन तीन गेम्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज में गेम्स मिल जाएंगे टाइम पास करने के लिए, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और सेटिंग्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो ये सब आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से फीचर्स काफी आपको सही दिए गए हैं। फीचर्स पार्ट को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, लेकिन बस हाँ आप बोल सकते हैं जो ब्राइटनेस का ऑप्शन है यहाँ पे बेटरमेंट होनी चाहिए आउटडोर कंडीशन की ब्राइटनेस को लेकर थोड़ी बहुत। और साथ ही में इसमें आपको स्क्रीन टाइम को सेट करने का ऑप्शन मुझे नहीं मिला, ना ही एप्लीकेशन पार्ट में, ना ही स्मार्ट वॉच में। 5 सेकंड्स बाद ऑटोमेटिकली ये स्मार्ट वॉच जो है डिस्प्ले ऑफ कर देती है। मेरे हिसाब से यहाँ पे स्क्रीन टाइम का सेट करने का ऑप्शन देना चाहिए था, हो सकता है टाइमली यहाँ पे अपडेट्स आता है एप्लीकेशन पार्ट में। और साथ ही में इसमें आपको IP68 वाटर रेसिस्टेंट फीचर दिया गया, अगर आप हैवी एक्टिविटीज करते हैं, स्वेट आता है, जिम पर्पस के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली स्मार्ट वॉच को। और एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करेंगे, यहाँ पर आपको नॉइस फिट एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है, यहाँ पे आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू। और यहाँ पे जो ब्रांड है वो क्लेम करता है तो आपकी डेटा प्राइवेसी है, अगर आप हमें लॉगिन करेंगे अपनी डिटेल्स डालेंगे तो डेटा प्राइवेसी को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपका डेटा कहीं और शेयर नहीं किया जाएगा। और साथ ही में आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे एक बार, अगर आप यहाँ पे अपग्रेड भी करते हैं स्मार्ट वॉच को, दूसरी स्मार्ट वॉच की अगर आप परचेज करते हैं नॉइस की, तो आपका डेटा यहाँ पे सेव रहेगा, आपको बार बार यहाँ पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर जितनी भी आप एक्टिविटीज की है स्टेप काउंटिंग को लेकर, सेंसर्स पार्ट को लेकर, यहाँ पे आपको प्रॉपर इन डेप्थ रिव्यू मिल जाएगा, यहाँ पे आप बिल्कुल ट्रैकआउट कर सकते हैं उनको भी। माई डिवाइस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन दिखा देगा, इसमें आपको चेक फॉर अपडेट्स, वारंटी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, डिवाइस सेटिंग्स में आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड में ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, आपको यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट कैसा चाहिए, 12 आवर्स का चाहिए कि 24 आवर्स का चाहिए, सेट कर सकते हैं, अनपेयर कर सकते हैं डिवाइस को। मल्टीपल यहाँ पे आपको क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिलने वाले हैं, जो आपको यहाँ पे क्लाउड बेस्ड वॉच फेस पसंद आ रहा है यहाँ से डायरेक्टली एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमाइज वॉच फेस पे जाएंगे, यहाँ पे अगर आपको कैमरा से पिक्चर लेनी है खुद की, आपके फोन में स्टोर है पिक्चर, आपको वॉच फेस में लगाना है, यहाँ से आप कर सकते हैं, टाइम पोजीशन चेंज कर पाएंगे, प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिल जाएगी वॉच फेसेस को लेके। नोटिफिकेशंस में आप SMS अलर्ट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऐप नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं कौन कौन से आपका एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन चाहिए स्मार्ट वॉच में, यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। कॉलिंग के फीचर को ऑन ऑफ कर पाएंगे, हेल्थ मॉनिटरिंग सेंसर, माई अलार्म, गूगल फिट, माई कॉन्टैक्ट्स में आपको 8 डिफरेंट कॉन्टैक्ट सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी आपके फेवरेट दोस्त हैं। और जो QR कोड का ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं QR कोड्स, लिंक के थ्रू ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आपके जो फोन में स्टोर है गैलरी में आपके QR कोड, उसको आप सेव करके पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं स्मार्ट वॉच को दिखा के। अदर सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, कैमरा शटर का ऑप्शन दिया गया, जो कि इस एप्लीकेशन के साथ वर्क करता है, सिंपली आप शटर दिया गया स्मार्ट वॉच में, उसको अगर आप टैप करेंगे तो एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू पिक्चर ले ली जाएगी। और जो रेस ट्यूब एक फीचर है, उसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, और इसका जो रेस ट्यूब एक फीचर है बढ़िया तरीके से वर्क करता है, जब भी आप स्मार्ट वॉच को ऊपर करेंगे इंस्टेंटली आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, उसको लेकर पर्टिकुलरली मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन मिलने वाले, आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहते हैं, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन बिल्कुल यूजफुल है, आप कनेक्ट करके प्रॉपर यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं स्मार्ट वॉच की। और बैटरी लाइफ की बात करेंगे, बैटरी आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाली है, अगर आप यहाँ पे ब्राइटनेस फुल भी रखते हैं, अगर आप इसको हैवी यूसेज करेंगे, ब्लूटूथ कॉलिंग ज्यादा करेंगे, 2 दिन के आसपास आराम से आप हो सकते हैं हैवी यूसेज है बिल्कुल, आप बैटरी लाइफ निकाल लेंगे। अगर आप नॉर्मल तरीके से एडिकेट तरीके से यूज करेंगे स्मार्ट वॉच को बिल्कुल एवरेज तरीके से, 6 से 7 दिन के आसपास बैटरी लाइफ मिल जाएगी, बैटरी आपको इंप्रेसिव मिल जाएगी, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी।
तो यार देखा जाए 1200 रुपए के हिसाब से एक अच्छा पैकेज आप बोल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे मेटालिक बिल्ड की आपको यहाँ पे राउंड डिस्प्ले चाहिए, फीचर्स पार्ट को लेकर मुझे पर्टिकुलरली कोई दिक्कत नहीं लगी, फीचर्स आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाले, बस यहाँ पे हल्का फुल्का एक दो जगह एनहांसमेंट होना चाहिए था ब्राइटनेस पार्ट को लेकर आउटडोर कंडीशन में, और जो टाइम सेट करने का ऑप्शन है, स्क्रीन टाइम सेट करने का ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिसिंग लगा, हो सकता है टाइम यूज का अपडेट भी आ जाए। बाकी मैंने आपको सारे के सारे टेस्टिंग दिखा दी प्रोज एंड कॉन्स के साथ। अगर आपको यहाँ पे खुद के लिए किसी को गिफ्ट पर्पज के लिए 1200 रुपए के आसपास एक राउंड डिस्प्ले चाहिए जिसमें आपको फीचर से भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर काफी आपको बढ़िया मिल जाएगा, उस पर्पज के इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आए तो चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज कंप्लीट टेस्टिंग एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च नॉइस ट्विस्ट गो स्मार्ट वॉच। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।